વચ્ચે આશરે 1300 કિલોમીટરનું અંતર કાપતા 24 કલાકથી વધારાનો સમય લાગતો હોય છે, પણ હવે આગામી દિવસોમાં આ સમયગાળો ઘટીને 13 કલાક જેટલો થઈ જશે અને તેનું કારણ છે ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસ હાઈવે। એક્સપ્રેસ હાઈવે દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થશે। આ એક્સપ્રેસ વે જયપુર, ઉદયપુર, અજમેર, કોટા, ચિત્તોડગઢ, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अमदावाद अने सूरत जेवा आर्थिक केन्द्रों ने पण उत्तम जोड़ाण आपशे। आ एक्सप्रेस हाईवे अनेक खासियतो धरावे छे। प्राणियों ने जंगल में रस्तो पार करवामां मुश्किली न पड़े ते माटे एशियानो आ प्रथम अने विश्वनो बीजो एक्सप्रेस वे प्राणी ओवरपास उपर बनाववामां आवी रह्यो छे। दर वर्षे लगभग 32 करोड़ लीटर ईंधण नी बचत थशे। एक्सप्रेस वे नी आजूबाजू 15 लाख वृक्षों लगाववामां आवशे, ते साथे कार्बन डायोक्साइड ना उत्सर्जन में वार्षिक 85 मिलियन किलोमीटर CO2 नो घटाड़ो थशे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरीए एक्सप्रेस हाईवे की कामगीरी निरीक्षण कर्यु हतु। आ एक्सप्रेस वे ना निर्माण दरमियान एक दिवस में सौथी वधारे किलोमीटर नो RCC नो रोड बनावी विश्व रेकॉर्ड पण बनाववामां आव्यो छे। भरूचनी नर्मदा नदी पर एक्स्ट्रा डॉट केबल ब्रिज बनी रह्यो छे, त्यारे नितिन गडकरीए ब्रिजनी पण मुलाकात लीधी हती। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ना अधिकारीओए नितिन गडकरीने ब्रिजनी कामगीरी विशे माहिती आपी हती। आगामी 2023 नी साल सुधी में एक्सप्रेस हाईवे नू लोकार्पण करी देवानू आयोजन छे। અને ગુજરાતની YouTube ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।